लाठी डंडा से मार मार कर मजदूरा को हत्या किया जाता। आपका पढ़ा लिखा परिवार नौकरी नहीं मिलता है तो जाकर कहेंगे रिक्शा चलाता है, कहीं टेम्पो चलाता है। यही मोदी जी का बनाया हुआ मुख्यमंत्री बॉम्बे का बयान आया काम था क्या बॉम्बे में बोला कि जो टेम्पो का चालक होगा वो मराठी भाषा जानेगा उसी को लाइसेंस दिया जाएगा। मजदूरी करके अपना परिवार को भी जीविका किसी राज में चलाने से कितना भारी बिहार का अपमान है, बिहार का कितना भारी अपमान कि बिहार का देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि डीएनए खराब है। भोजपुरी में इसका अर्थ होता है दोगला, पूरे बिहार को दोगला कहकर गाली देने का प्रधानमंत्री ने काम किया। आप लोग से मैं बताना चाह रहा हूं, क्या आप चाहते हैं बिहार में जैसे महात्मा गांधी का आंदोलन, अशोक सम्राट की जन्म स्थल बुद्धदेव का जन्म स्थल, करण राजा का जन्म स्थल, राजा हरिचंद्र का जन्म स्थल, स्वतंत्रता सेनानी शहीद का इतिहास जितना बिहार के धरती पर है किसी राज में इतना स्वतंत्र यह अपमान किया प्रधानमंत्री ने। इसलिए तेलंगाना ने सोचा कि अब निर्दल चुनाव लड़ना बेकार है और प्रधानमंत्री का जवाब देने के लिए नीतीश कुमार जी का समर्थन देना जरूरी है। तब और वशिष्ठ बाबू ने लेकर गए मुख्यमंत्री जी के पास और कहे कि दादा आपको चुनाव लड़ना है। हमने सोच लिया क्या लोग बात सही कर रहे हैं। आप लोग से मैं बताना, निर्दलीय में जितना हमको टेस्ट मिलता था अब पार्टी में भी मिलेगा। आप लोग से मैं बताना चाहता हूं, आप लोग से मैं बताना चाहता हूं, बताइए ऐसी ऐसी स्थिति अभी आपको भरवाने के लिए चल रहा है। ये लोग एक सचमुच के टीवी वाले हैं और एक एक झूठा टीवी वाला है। 25-40 आदमी के संख्या में हर क्षेत्र में भेजा गया है लेकिन लड़का और जी टीवी आज तक इंडिया टीवी सारा टीवी चैनल के आपका कटआउट लेकर ऐसे ही माजमा लगाकर बोलने लगा। आप 25 नहीं क्या 50 नहीं क्या आगा पैदा मोदी 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 चिल्लाने लगता है। आप लोग से मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी में जली जम है। एक जगह गया में प्रोग्राम कराए या कहीं पर भी प्रोग्राम कराते हैं तो हर जिला के कैंडिडेट 5-5 हजार आदमी लेता है। यदि कम है मोदी में और नीतीश कुमार जी का बराबर करना चाहता है तो एक जिला में 2 जगह प्रोग्राम करके दिखा दे मोदी नीतीश कुमार जी से आगे उसी दिन हम मान जाएगा। खाली जुटा जुटा के आदमी को भ्रम फैलाता है। इसलिए आप लोग से हमारा कहना है, विनती करना है, जहां जहां हमारा कैंडिडेट है बक्सर में मुना तिवारी जी, यहां तो मात्र अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र के लोग आए, इसलिए कि कहीं नेवता ना कहीं कार्ड ना कहीं पर्चा ना कहीं माइक मेला, ये सारे लोग डुमराव क्षेत्र के, सारे लोग डुमराव क्षेत्र के हैं। हाथ उठाइए तो हम दिखाइए। अरे 11 बजे अध्यक्ष जी यही लोग बैठे हैं भाई, इधर उधर पानियों की व्यवस्था नहीं किया गया, ऐसा ही सरकार डीएम का एक ही हो गया। इसलिए आप लोग से मैं कहना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को मजबूत करना जरूरी है। और आपकी बात ठीक बोल रहे थे हमारे भाई कि बिहार की लड़ाई नहीं, यह गाली का बदला लाठी और बंदूक से नहीं। यदि मोदी जी बिहार के लिए गाली दिए
और अमित शाह बिहार में घूम घूम कर गाली देते हैं तो उसका बदला आपका 28 तारीख का तीर छाप पर पटन होगा। तीर छाप पर बटन दबा दिया और बिहार में नीतीश जी का सरकार बन गई तो अगला लड़ाई दिल्ली का होगा और यही तीर यही महागठबंधन पूरे भारत में घूम घूम कर बिहार का अपमान बिहार का गाली का बदला प्रधानमंत्री का कुर्सी है।